ज्वेलरी की बात करें, भारी भरकम ज्वेलरी है, आंख कान नाक सब वजन से लटके हुए, क्या कहना चाहेंगे उसके बारे में? ज्वेलरी तो एक रानी की शान होती है, क्योंकि जब तक आप उस अटायर में ना हो, ज्वेलरी हो या आपके कपड़े हो या जो कुछ भी हो, आप एक रानी की तरफ फील नहीं करोगे। तो एक रानी का क्या कहते हैं, जन्मसिद्ध अधिकार होता है, और उनको ये सब पहनना पड़ता है क्योंकि उसी से उनकी पहचान होती है, उनकी यू नो इंडिविजुअलिटी होती है। तो आई थिंक ये जो ज्वेलरी है, हैवी है, नो डाउट बहुत हैवी है, लेकिन इट्स वर्थ इट। तो केमिस्ट्री कैसी है प्रताप जो है इस शो में, और आपकी केमिस्ट्री कैसी है? हम लोग बहुत लड़ते रहते हैं यार, क्या बताऊँ, हम लोग टॉम एंड जेरी के नाम पे बुलाए जाते हैं पूरे सेट पे। हम लोग कभी सीधे मुंह एक दूसरे से बात ही नहीं करते, बस लड़ते रहते एक दूसरे के साथ और कुछ नहीं। क्योंकि अगर हम सीधे मुंह बात करेंगे तो वो बहुत सबसे बड़ी ब्रेकिंग न्यूज हो जाएगी, इसलिए हमें टेढ़े मुंह ही एक दूसरे से बात करना है। तो केमिस्ट्री हाँ, जब सीन्स आते हैं ऑब्वियसली हमारे पास कोई ऑप्शन नहीं, हमें अच्छे से करना पड़ता है, पर जैसे ही कट होता है हम बस एक दूसरे के बाल खींचने में लगे पड़े रहते हैं। अभी होली आ रही है, होली कैसे मनाई जाएगी, आप कैसे? I have no idea, अभी तो बहुत दूर है, मार्च में है, देखते हैं अभी क्या होता है। अभी तो अभी वैलेंटाइन गया बस। थैंक यू, थैंक यू। महारानी साहब, महारानी साहब जल्दी चलिए, राणा जी कपूर जगमाल को मार रहे हैं। जी मैं हूँ आशिका गुराडे, और सब लोग मुझे धीर भाई के नाम से जानते हैं। इस शो में धीर भाई की भूमिका निभाती हूँ मैं, जो बहुत ही खतरनाक है, षड्यंत्र रचती रहती है जैसे कि आप जानते हैं, और आप इसी तरह से प्यार करते रहेंगे तो मैं और षड्यंत्र रचती रहूंगी। आज के षड्यंत्र की बात पे सीन क्या चल रहा है? देखिए सीन ऐसा चल रहा है कि कौर जगमाल की जो सारी बातें हैं वो दूसरों को पता चल गई है, राणा जी को पता चल गई है। अब राणा जी का क्रोध तो सब जानते हैं आप दर्शक, आप देखें आगे के एपिसोड में राणा जी क्या हाल करते हैं कुंवर जगमाल का। आज फांसी की जो बात थी उसके बारे में क्या कहना चाहेंगे, किसका प्लान था फांसी वाला जो चल गया? और किसका हो सकता है, प्लान तो सारे मैं ही बनाती हूँ। आगे भी चालू रहेंगे? अभी देखिए प्लान बनाना बंद हो जाएगा तो कहानी में दम नहीं रहेगा ना। जितना एक हीरो इम्पोर्टेंट होता है, एक हीरोइन इम्पोर्टेंट होती है कहानी में, उतना ही विलेन इम्पोर्टेंट होता है, क्योंकि उनके बगैर कहानी नहीं बनती। गुड़ का किसी को एहसास नहीं है। कैसे बच गई आज, अगर बात करें एक सीन की, अगर बात करें जो सुबह सीन हुआ है, क्या कहना चाहेंगे इसके बारे में? देखिए कुंवर प्रताप है ना, हीरो को तो बचना ही है, तो बच जाएंगे। कितना एंजॉय कर रहे हैं शो में आप? मैं अपने हर शो को बहुत एंजॉय करती हूँ, महाराणा प्रताप मेरे दिल के बहुत ही करीब है, बहुत ही सुंदर दिखाया उन्होंने मुझे इस शो में, तो बहुत अच्छा लगता है मुझे। ज्वेलरी कॉस्ट्यूम की बात करें, काफी भारी भरकम ज्वेलरी है गर्मी के अंदर, क्या कहना चाहेंगे इसका? अब तो जैसे 2 साल हो गए हैं शो को, 400 एपिसोड बना चुके हैं हम, आपको दर्शा चुके हैं उन एपिसोड्स को, अब जैसे आदत ही पड़ गई है, नॉर्मल कपड़े पहनते हैं तो यहाँ वहाँ ज्वेलरी हाथ लगा के ढूंढते रहते हैं बस। मैं अपने सारे महाराणा प्रताप फैंस को ये कहना चाहूंगी कि बहुत प्यार दिया है अपने शो को, इस शो के किरदारों को, अच्छे अच्छे जो है कहानी आपके सामने दर्शाएंगे जिससे आप एंटरटेन होंगे, तो शो से जुड़े रहिए। वॉच महाराणा प्रताप मंडे टू थर्सडे ऑन सोनी एंटरटेनमेंट टेलीविजन एट 10 o'clock। मुझे लगा तो बरेली पहुंच गया होगा, यहाँ बन जाता हूँ 3 मिनट उल्टा बोल, मेरा झुमका इसलिए 2 मिनट बन जाएगा। झुमका है, झुमका झुमका हाँ बन गया। Next shot. And action.
गार्ड का मालूम है। See you in the night, sir. I will see you. See you in the night, sir. You turn and you shocked. ये हाथ रखे बड़े बड़े देखे ठीक है चलो थोड़ा एक 4-5 सेकंड के बाद लू ना सर। हाँ।